नमस्कार बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट एक बार बता दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हाँ या ना? एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ भाई, सब बढ़िया? हाँ भाई, कल ही तो बोल दिया था नहीं लूंगा, जिस दिन YT पे क्लास होगी उस दिन पेड क्लास नहीं होगी। नहीं बोला था क्या आपको? हाँ चलिए स्टार्ट करें, मैं पानी पी लूँ। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं भाई आज का कार्यक्रम। कल आप लोगों को मैंने बताया था इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होने वाली थी, कैसी होने वाली थी, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी, राइट? है ना, सब चीज बताई थी या नहीं? कैसा जोश है आप लोगों का, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को। हाय, तो चलिए भाई, तो मैंने कहा की का। हाँ, तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, जब इक्विलिब्रियम की बात आ रही है, सुनिए, और इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन में जब भी इक्विलिब्रियम की बात आ रही हो, अगर आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में देके रखा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब कि बच्चों, समेशन ऑफ नेट फोर्स आपका जीरो होगा। एक इक्वेशन इसकी बनेगी और एक इक्वेशन बनती बच्चों आपकी समेशन ऑफ नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, जीरो होता है। और टॉर्क शुड बी रिटर्न अबाउट अ पॉइंट वेयर मैक्सिमम फोर्स आर एक्टिंग। ये चीज मैंने आपको बताई थी, लिख दूँ। टॉर्क शुड बी रिटर्न अबाउट अ पॉइंट वेयर मैक्सिमम फोर्स आर एक्टिंग, वेयर मैक्सिमम फोर्स आर एक्टिंग। हाँ या ना? हाँ जी सर, अभी सुनिए भाई, लैग है क्या? कोई लैग नहीं है, यहाँ से एकदम सब बेटर टकाटक चल रहा है। मुस्कान कैसे लैग है? चलिए यहाँ आइए, तेरा नेट ही नहीं चलता, हर बार तू लैग लैग कहती रहती है। चलिए जरा आइए,
फॉर डायनेमिक्स कंडीशन। बच्चों डायनेमिक्स के लिए यानी कि इस बार आपका नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो समेशन ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। समेशन ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। एक चीज और आराम से देखो, ये बात तो सर जग जाहिर आपने बता दी है हमको कि भाई ये दो इक्वेशन तो बनेंगी ही बनेंगी, इसमें तो कोई भी दो राय है नहीं, ठीक है। नाउ एक चीज और बता रहा हूं, आगे काम आएगी। डायनेमिक्स की अगर बात हो रही है, कोई सिस्टम घूम रहा है, कोई पुली घूम रही है, कहीं पुली गिरते घूमते हुए गिर रही है, घूमते हुए चल रही है, अगर कुछ ऐसी बात हो रही है, तो बच्चों एक चीज और आती है, वो बोल देगा कि नो स्लाइडिंग, नो नो स्लाइडिंग की कंडीशन। यही होता है बच्चों प्योर रोलिंग की कंडीशन। हालांकि दो लेक्चर लगेंगे प्योर रोलिंग पढ़ाने में, रोलिंग बोलने वाला था, दो लेक्चर लगेंगे प्योर रोलिंग पढ़ाने में, लेकिन अब उसका उसकी बात करना जरूरी है थोड़ी थोड़ी। अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ दो स्टेप आपको देखनी है, सारे फोर्सेस लगा दीजिए, फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में इक्वेट करके जीरो करिए, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट लगाइए और उसको जीरो करिए, बच्चों आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। ऐसे ही अगर डायनेमिक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये तीन इक्वेशन आपकी बनेंगी हर बार, कोई कितने से कितना बड़ा डायनेमिक्स का क्वेश्चन आ जाए, बवाल से बवाल डायनेमिक्स का क्वेश्चन आ जाए, मतलब जो आप देख के छोड़ देते हो, आप सोच भी नहीं सकते सपने में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि अभी मैं करवाने वाला हूं। इस तीसरी के अलावा चौथी इक्वेशन नहीं बनेगी, ये मैं अभी बोल दे रहा, आप कितने से कितना बड़ा क्वेश्चन ले आओ मेरे लिए, ये तीन इक्वेशन, एक बनेगी ये, एक बनेगी और ये, मैं बनाना भी सिखाऊंगा आपको नो स्लाइडिंग की कंडीशन क्या होता है। चलिए आइए जैसा कि देखते हैं, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिएगा बच्चों, ये आपको एक डिस्क देके रखी हुई है ऑफ मास m एंड ऑब्वियसली रेडियस r। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, जैसे लोग बात कॉपी कर रहे हैं सारी चीजें। हाँ चलो बच्चों, इट्स अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, इट्स अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। अगर यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है और ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा सर इतनी सी बात, ठीक है आइए देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सोचिएगा क्या ये चल रही है, क्या ये डिस्क चल रही है या अपनी जगह पे घूम रही है? नो ट्रांसलेशन, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एफ इज इक्वल्स टू एम ए वाली इक्वेशन नहीं आएगी, ओनली रोटेशन हो रहा है, ओनली रोटेशन हो रहा है। अगर रोटेशन हो रहा है तो मैं यहां पर पॉइंट पी मान लूं इसको। बच्चों यहां पर जो आप टॉर्क लिखते हो, ये जो टॉर्क लिखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम उसी पॉइंट के अबाउट लिखते हो या नहीं? हाँ जी सर लिखते हैं। तो आप बताइए बच्चों, समेशन ऑफ नेट टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल्स टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। इसका टॉर्क कैसा आ रहा होगा, ऐसा घुमा रहा होगा या नहीं? ये देखिए, ये हो गया आर वेक्टर, आर वेक्टर के डायरेक्शन में जाके फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल कर दो, आर क्रॉस एफ हो जाएगा, बात सही है। तो सर ये हो जाएगा एफ इंटू आर, आई क्या हो जाएगा, आई अबाउट पीस डिस्क का सर एम आर स्क्वायर बाय टू
इंटू अल्फा, तो यहाँ से बच्चों आर से एक आर कैंसिल हो गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन 2f डिवाइडेड बाय एम आर आ रहा है, हाँ या ना? 2f डिवाइडेड बाय एम आर आ रहा है, हाँ या ना? 2f डिवाइडेड बाय एम आर आ रहा है, राइट और रॉन्ग? 2f डिवाइडेड बाय एम आर, वेरी गुड। नाउ अगेन सिमिलर सिनेरियो, इट्स अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। सुनिए, डिस्क की जगह अगर रिंग होता तो यहां पे सिर्फ एम आर स्क्वायर आता। अगर हॉलो स्फीयर होता, उसको सेंटर पॉइंट के अबाउट रख के कैसे तो भी अगर घुमा रहे होते तो बेटा यहाँ पे 2/3 एम आर स्क्वायर आता। अगर सॉलिड सिलेंडर होता तो यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर आता। तीन क्वेश्चन और करवा दिए या नहीं? सिर्फ आई बदल रहा है, इसलिए आई की इतनी प्रैक्टिस करवाई थी। अभी देखिए बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है, इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट अगर मैंने फिक्स किया, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स आपका बच्चों ये लग रहा है, और मजे की बात ये है अभी के लिए थोड़ा जब तक आपको सीखना है दोनों को सेम ले लो। अब फिर से बताइए, कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, सिंस नेट टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा। बेटा इस बार टॉर्क अबाउट पी दो फोर्स का कैसे लिखेंगे? सर एक फोर्स का एफ आर प्लस इसका भी एफ आर ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम सेंस में घुमा रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा। यहां से आपका बेटा टू एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा हो जाएगा। यहां से आर कटा, अल्फा इज इक्वल टू फोर एफ अपॉन एम आर आ रहा है, हाँ या ना? अल्फा इज इक्वल टू फोर एफ अपॉन एम आर आ रहा है, राइट और रॉन्ग? आया कि नहीं आया? अब यहां पर आप अच्छे से देखो, ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा है। अगर ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा है तो बच्चों आप बताओ ना मेरे को, क्या एफ इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लिखाएगी, हाँ या ना? क्या एफ इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लिखाएगी? नो, नॉट पॉसिबल। सेम सेंस है, इसको पॉजिटिव बोला अगर मैंने तो ये वाला रोटेशन भी पॉजिटिव ही काउंट करूंगा या नहीं, क्योंकि सेम सेंस है। दोनों को नेगेटिव बोल दो तो दोनों को नेगेटिव काउंट कर लेना, अल्टीमेटली तो ऐड ही होंगे, राइट? सुनिए भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, हालांकि मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं लेकिन थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी आप लोग कैसे लिखते हो? सर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी की जगह, एम की जगह आई और वी की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ जी सर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकता हूँ, तो आई इज इक्वल टू एल अपॉन ओमेगा आ जाएगा या नहीं? हाँ जी। तो आई को एल अपॉन ओमेगा अगर आपने लिखा तो क्या ये हाफ ऑफ एल ओमेगा बचेगा या नहीं बचेगा? हाफ ऑफ एल ओमेगा बचेगा, हाँ या ना? सिंस एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, I इज इक्वल टू एल अपॉन ओमेगा, राइट और रॉन्ग? हाफ ऑफ एल ओमेगा। इसी को पी स्क्वायर बाय टू एम भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत होगी क्या? सारे फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी के एक साथ मैंने यहां पे लिख दिए बच्चों। वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? सर वर्क डन बाय फोर्स होता है एफ
डॉट डी एस लिमिट आती है बेटा S1 से लेके S2 तक की। हाँ या ना? हाँ जी। पावर क्या होता है सर? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैं वर्क को इन टर्म्स ऑफ रोटेशन डी बाई डी टी ऑफ टाउ डॉट डी थीटा लिख सकता हूं या नहीं? हाँ जी सर, टाउ डॉट डी थीटा लिख सकते हैं। अगर अगर टाउ कांस्टेंट है, अगर टाउ कांस्टेंट है तो टाउ बाहर आ जाएगा या नहीं? पी इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा बाई डी टी। बच्चे डी थीटा बाई डी टी को मैं क्या लिख दूंगा? टाउ डॉट ओमेगा। क्या बेटा जब फोर्स कांस्टेंट रहता था, यहां लिख दे रहा हूं, फॉर कांस्टेंट फोर्स, फॉर जब फोर्स कांस्टेंट रहता था तो आपको याद आ रहा होगा जो पावर ऑफ लिखते थे बच्चों वो कैसे लिखते थे? फॉर कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट वी लिखते थे या नहीं? अरे यार, पावर लिखते थे आप सर डी डब्ल्यू बाई डी टी। डब्ल्यू को लिखते थे पी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एस। फोर्स कांस्टेंट रहता था, बाहर आ जाता था, डॉट डी एस बाई डी टी लिख देते थे। और डी एस बाई डी टी को ही आप क्या लिख लेते थे बेटा? वी लिखते थे या नहीं? कोई कंजूसी नहीं है, आराम से देखो, कोई कंजूसी नहीं है, आराम से देखो। हाँ या ना? हाँ भाई, आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू मॉडर्न फिजिक्स पैरेलली। उसके दो कारण हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। पहला कारण यह है कि आपका पैरेलल में कोर्स चलेगा तो जल्दी खत्म होगा, रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलेगा। दूसरा कारण यह है, हर बार मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में पढ़ते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे और हाथ के नंबर आप लोग छोड़ जाते थे। इस बार मॉडर्न फिजिक्स अपन पहले ही खत्म कर लेंगे तो भाई अपना मजा ही हो जाएगा। हर वेंसडे को एक महातोड़ होगा, हर वेंसडे को एक महातोड़ होगा, और उस पर्टिकुलर महातोड़ में बच्चों आपको एक चैप्टर निपटवा दिया जाएगा। वो महातोड़ 4 से लेके 6 घंटे तक का हो सकता है। मॉडर्न फिजिक्स का डुअल नेचर एक लेक्चर लगेगा, एटम न्यूक्लियाई एक लेक्चर, एटम एक लेक्चर लगेगा, न्यूक्लियाई एक लेक्चर लगेगा, सेमीकंडक्टर 2 लेक्चर लगेंगे, यानी 1 महीने में 1 महीने 1 हफ्ते, 5 हफ्ते होंगे। 5 हफ्तों में आपका पैरेलली धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा। न्यू नोटबुक बना लीजिए मॉडर्न फिजिक्स की अलग से, अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो भरवा दूंगा मैं। चलिए नाउ आगे की बात की जाए, आगे की बात की जाए। अभी क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है? इफ द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द गिवन पोजिशन देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। आराम से ये देखो, इट्स अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। इट्स अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल विच इज फिक्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। बहुत प्यारा लेक्चर है ये, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, मजा आ जाएगा आपको। हालांकि मैं डायग्राम पहले नहीं बना पाया, नहीं पहले बना के लाता तो और मजा आता, लेकिन ठीक है। चलिए, आपसे बोला है इस रॉड को यहां से रिलीज किया, इस पर्टिकुलर पोजीशन से इस रॉड को रिलीज किया तो क्या ये ऐसे गिरेगी? और जब गिर रही होगी, जब गिर रही होगी तो क्या ये ऐसी वर्टिकल आएगी? जब ये वर्टिकल आएगी तो आपको बताना है, जब ये वर्टिकल है, हाँ थर्मो वाले में भी कर सकते हो, जब ये वर्टिकल है तो आपसे पूछा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। वर्टिकल कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? आराम से, वर्टिकल ये रॉड कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? वर्टिकल ये रॉड कुछ ऐसी होगी या नहीं? हाँ सर होगी। अभी देखिए एकदम आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, जो भी है जैसा भी है सोचो क्या हो रहा है। सर जब अपन इसको छोड़ेंगे तो सर इसका एम जी यहां से एक्ट करेगा, एम जी इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा या नहीं?
हाँ जी सर, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका एमजी इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट कर रहा होगा, और जब इसका एमजी इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा तो क्या ये एमजी टॉर्क लेकर आएगा या नहीं, आराम से सोचो। हाँ जी सर, ये जो एमजी है ये टॉर्क लेकर आएगा। अच्छा, जो भी वर्क हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स करते हुए दिख रहे हैं या नहीं? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है आपको पता है यहाँ पे, लेकिन दिखेगा नहीं, वो बहुत छुप के बैठा है एकदम दुबक के साइड में। अच्छे से देखो, यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन, ये जो सपोर्ट है इसकी नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कुछ है नहीं, क्योंकि ये चीज कहीं नहीं जा रही है, ये अपनी जगह पे थी, यहीं पर है। क्या ये वाला पोर्शन कहीं जा रहा है क्या, जहां से फिक्स है? नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक तो ये लोग बाग ऐसे बिल्कुल नींद में बैठते हैं, कल से 4 बार बोल चुका हूं कि क्लास नहीं होगी जिस दिन महातोड़ होगा, लेकिन नहीं, क्लास में बैठे हैं लेकिन पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। कल से 4 बार समझा चुका हूं रौनक सिद्दीकी, फालतू के मैसेज यहां करूंगे मैं, ब्लॉक कर दूंगा, फिर मैसेज करते रहना मेरे को कि सर मेरा डाउट रह गया, ये वो फलाना ढिकाना। मैंने 10 बार बोला है क्लास के टाइम पे फोकट के कमेंटिंग, फोकट के मैसेजेस मत करो, मैंने यहां से ब्लॉक कर दिया बेटा, कोई अनलॉक नहीं करेगा तुमको। दूसरों से ब्लॉक होकर आते हो, मेरे से बोलते हो अनलॉक होने के लिए, मैंने अगर किया तो किसी से नहीं बोल पाऊंगे, इस बात का ध्यान रखना। रहना है क्लास में, अटेंटिव रहिए, अदरवाइज ब्लॉक हो जाइए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बार बोल चुका हूं, कल से वही चीज, क्लास के शुरुआत में बोल दिया वही चीज, इतना टिपिकल टॉपिक चल रहा है। तुमने बेटा खाना वही है जो गाय जानवर खाते हैं। हाँ चलो, तो जो भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन उसका कुछ वर्क डन नहीं है, और जो भी फोर्सेस लग रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, हाँ या ना? हाँ जी सर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात, अब आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, मैं इसको मानता हूं रेफरेंस लेवल, मैं इसको मानता हूं क्या बेटा, रेफरेंस लेवल, अच्छे से समझिएगा, है ना? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने अगर इसको रेफरेंस लेवल कह दिया, रेफरेंस लेवल, तो जब रॉड वर्टिकल होगी, बच्चों आप बताओ ये जो एमजी वाला पॉइंट है ये यहां पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, जो एमजी वाला पॉइंट है वो इतने नीचे आ गया, अब एमजी आपका यहां से एक्ट कर रहा होगा, एकदम सही बात है सर, एमजी यहां से एक्ट कर रहा होगा। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस क्या L/2 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनो, अगर मैंने क्या बोला, रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम गिवन पोजीशन, यहां से रिलीज की रॉड को, यहां से रॉड को रिलीज किया, और वो जब यहां पर आ गया, इस टाइम पे आपको ओमेगा बताना है कितना होगा, यही क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल। अब इनिशियली अगर रॉड को आपने रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पूरी की पूरी रॉड रेफरेंस लेवल पे है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, 0 + 0 इज इक्वल्स टू, फाइनली जब रॉड यहां पर आ गई तो ये सिर्फ रोटेट कर रही है या चल भी रही है, सोचो। जब रॉड यहां से यहां आई तो रोटेट करते हुए आई सिर्फ, या फिर चलते हुए आई, सोच समझ के आंसर दो, रोटेट करते हुए आई। अगर रोटेट करते हुए आई तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगी या नहीं? देखो यहां से तो ऐसी ऊपर भी जाएगी रॉड,
लेकिन अपने को यहीं पर बताना है। अगर सिर्फ रोटेट करते हुए आ रही है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर जी? एम जी। और ये रेफरेंस लेवल से कितना नीचे आ गया? एल बाई टू नीचे आया। हाँ या ना? माइनस ऑफ एल बाई टू होगा एम जी एच, राइट और रॉन्ग? ये भी सही है। तो यहां से एम जी एल बाई टू इधर ले आया हाफ ऑफ। रॉड एक पॉइंट के अबाउट फिक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है बेटा? एम एल से एम एल आप एक उचका देंगे, दो से दो भी आप उचका देंगे, तो यहां से बेटा ओमेगा जो आ रहा है वो रूट ओवर ऑफ थ्री जी बाय एल आ रहा है। हाँ या ना? ओमेगा क्या आ रहा है? रूट ओवर ऑफ थ्री जी बाय एल, राइट? क्या इसका एक और मेथड है? मेरे को एक मिनट देना, मैं एक बार करके देख लूं अगर आंसर आ रहा हो तो। जस्ट गिव मी अ मिनट। आना तो चाहिए। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। आओ कुछ अच्छा सिखाता हूं। आना तो चाहिए मेरे हिसाब से। देखेंगे कहीं फंसेंगे तो फिर कल करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी जस्ट दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। आओ रेडी। चलिए आइए बच्चों, आपको पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है या नहीं? हाँ जी सर होता है। रॉड रोटेट कर रही है यानी कि काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फोर्स, यानी ये जो mg का टॉर्क है इसका वर्क डन आया ना, टाउ डॉट डी थीटा लिख सकता हूं या नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। फाइनल हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। हाँ जी सर जीरो हो जाएगी। टॉर्क कितना लग रहा है सर? एम जी एल बाय टू का टॉर्क लग रहा है या नहीं? एक मिनट, यहां दिक्कत आएगी। एम जी आई ओमेगा तो ठीक है, इसका टॉर्क कैसे लिखेंगे? एक्स डिस्टेंस आगे जाके dx का एलिमेंट काटूंगा, उसका dmg का टॉर्क लगेगा, dmg m by l into dx। लेकिन आना तो चाहिए यार इसका टॉर्क, लेकिन इनिशियल टॉर्क थोड़ी है। हाँ भाई किसी का दिमाग चल रहा है? 1/2 l ओमेगा होगा, 1/2 l ओमेगा। ये तो सही है ना, इधर क्या 1/2 l ओमेगा होगा। हाँ भाई ये तो करना पड़ेगा बैठ के अब टॉर्क है। भाई कोई दिमाग चलाने वाला? करूंगा तो टॉर्क इन टर्म्स ऑफ थीटा, टॉर्क को थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से 90, लेकिन ये जो mg है ये तो कांस्टेंट लगेगा। धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम हो रही है, धीरे धीरे ये डिस्टेंस आपकी कम हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जाकर अगर मैं नीचे की तरफ mg लगा दूं, अगर मैं नीचे की तरफ mg लगा दूं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चे ये कितना होगा? ये हो जाएगा तेरा
एल बाय टू साइन थीटा। यस गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये एल बाय टू है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो एम जी लग रहा है उसका ये परपेंडिकुलर एल बाय टू साइन थीटा होगा या नहीं होगा। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 90 से लेके 0 से लेके यहां से नाप रहा हूं तो 90 तक आ रही है या नहीं आ रही है, करके देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, करके करके देखते हैं तभी समझ आएगा। टॉर्क लिख रहा हूं एट इंटरमीडिएटरी पोजीशन, एम जी एल बाय टू साइन थीटा डी थीटा, लिमिट पुट करो 0 से पाई बाय टू। अगर ऐसा है तो हाफ ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, फटाक से बताओ। एम जी एल बाय टू तो बाहर हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, फटाक से बताओ। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी बताओ यार, मैं ही पूरी मेहनत क्यों करूं, आप भी तो करो। माइनस कॉस थीटा होगा या कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा। कौन है ये कॉस थीटा वाला दिशा तिवारी, ढोर के ढोर रहोगे जिंदगी भर, जरा सा कुछ पूछ लो नील बटे सन्नाटा हो जाता है। हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू एम जी एल बाय 2 इंटू, माइनस बाहर निकाल लो, कॉस 90 यानी 0, माइनस कॉस 0 1, तो बेटा माइनस माइनस सब मिल बांट के खत्म हो गए। एम जी एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा इज इक्वल्स टू एम जी एल बाय 2 आ रहा है, अगर आ रहा है तो 2 से 2 उछकाओ, एम एल से एम एल उछकाओ, आ गया भाई, हाँ, ओमेगा आया, अति उत्तम, ओमेगा आया 3 जी एल, आहा, ओमेगा आया आपका रूट ओवर ऑफ, ओमेगा लिखना है ना, एल नीचे जाएगा, 3 जी बाय एल, अति उत्तम यार, आहा, मजा आ गया, आनंद की प्राप्ति होती हुई अपने आप अंदर से, आनंद की अनुभूति होती हुई, कितना प्यारा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा, सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, टॉर्क आप कैसे लिख रहे हो, टॉर्क आप कैसे लिख रहे हो, अच्छे से देखिए, यहां पर बना दे रहा हूं, इनिशियली आपकी रॉड ऐसी थी, फाइनली आपकी रॉड ऐसी है, आपको अच्छे से देखिए, किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर, किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर आप टॉर्क लिखो। इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर क्यों लिख रहे हैं बता रहा हूं, यहां से देखो ये एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय टू साइन थीटा होगी या नहीं, अगर मैं इसको थीटा कह दूंगा, बेटा ये एल बाय टू है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर एल बाय टू साइन थीटा होगा या नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एम जी इंटू एल बाय टू साइन थीटा होगा या नहीं होगा, आपको टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा या नहीं, भाई बताइए। सर दिख नहीं रहा है, आप मेरी आंखें ले जा बेटा, कुछ तो करूं मैं मेरी आंखों का इस जिंदगी में, मेरी आंखें ले जा, सर दिख नहीं रहा है, कल को बोलूंगे सर खाना नहीं मिल रहा है, कल को बोलूंगे सर खाना नहीं खाते बन रहे, फिर बोलूंगे सर खाना निकल नहीं रहा, अबे दिख नहीं रहा है क्या होता है, क्वालिटी सही कर लो, नहीं दिख रहा है तो बहुत ही बकवास है यार ये लड़की जो भी है यार, छोड़ो मैं करवाता हूं इसका काम, दिख नहीं रहा है क्या होता है।
चलो क्लियर, कोई दिक्कत, समझ आया या नहीं आया फटाक से बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। एक आपको आई शेप रॉड देकर रखी हुई है। आई शेप रॉड कैसी होती है? ऐसी, सुनिएगा अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको एक ऐसी आई शेप्ड लेट से रॉड दे के रखी हुई है, थोड़ा सा छोटा कर लो, सही रहेगा। ठीक है, आई कहाँ है मैं बता रहा हूं, तीन आइडेंटिकल रॉड हैं ये, इनसे ऐसा आई बनाया हुआ है। इट्स अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, इट इज ऑल्सो अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, इट इज ऑल्सो अ रॉड ऑफ It is also a rod of mass m and length l. हाँ है ना, ठीक है, पक्का। आपसे कहा है जब ये पर्टिकुलर रॉड, सुनना, जब ये पर्टिकुलर रॉड ऐसे गिर के ऐसी हो जाए, उल्टी हो जाए, समझो इस चीज को, ये फिक्स है, ऐसी गिरे, ऐसी गिर के जब ये नीचे आ जाए, 180 डिग्री जब ये रोटेट हो जाए, उस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए क्या होगा, हाँ या ना? क्या बोल रहे हो भाई, ये ओमेगा स्क्वायर है, अगेन माय मिस्टेक, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर भी लिखा है ना। चलिए क्वेश्चन समझे या नहीं, हाँ या ना, क्वेश्चन समझे या नहीं, हाँ या ना, आराम से देख लो। जब इसके अबाउट ये गिरेगी, जब ये इसके अबाउट गिरेगी तो ऐसी गिर रही होगी, जब ये पूरी रोटेट हो जाए आपको बताना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा सर, ये बात तो सही कही आपने, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। देखो, ऐसी रॉड है, मान लो ये आई शेप रॉड है, ये क्या है, ये आपकी आई शेप रॉड है, ये कैसी गिर रही है पता, ये देखो, ये ढुम ऐसे, अब समझ गए क्वेश्चन, ये आपकी आई शेप्ड रॉड है, ये आई शेप्ड रॉड है, और ये कैसी गिर रही है, ये अपने वजन से खुद ऐसी, इसको हल्का सा थोड़ा सा अपन ने आगे किया, खुद गिर जा रही है या नहीं, हाँ जी सर गिर जा रही है। अगर गिर रही है तो वही आपको बताना है कि कैसा क्या होने वाला है मामला, राइट। अच्छा एक बात बताओ, सोचो 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 सोचो, जब ये रॉड गिर के नीचे आएगी तो ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा, हाँ या ना, सोचो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आएगा या नहीं आएगा, हाँ जी सर, इसका कलर चेंज कर दूं मैं, राइट, कुछ ऐसा कर दिया, ऐसी हो गई, गिरने के बाद ये ऐसी हो गई, और ये वाला पोर्शन तो यहीं का यहीं रहने वाला है, राइट। अब जो पूछ रहा हूं उसको अच्छे से समझना थोड़ा सा, ठीक है, समझो बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, हाँ जी सर, थोड़ा सा और डार्क बना देता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का यहां पर होगा,
और इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा या नहीं होगा? कहो हाँ। हाँ सर बिल्कुल होगा भाई, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। जब ये गिरेगी तो ये वाला सेंटर ऑफ मास L/2 यहां पर आ जाएगा या नहीं? हाँ या ना। और ये वाला सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा या नहीं? आप खुद बताइए हाँ या ना। बिल्कुल आ जाएगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात। अच्छा अब जो पूछ रहा हूं सिर्फ उतना उतना जवाब देते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है ये वाली? सर L/2 है। और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? सर ये भी आपकी L/2 है, राइट और रॉन्ग? ये भी L/2 और ये भी L/2 है या नहीं है? हाँ या ना। हाँ जी। अच्छा इस वाले सेंटर ऑफ मास से ये वाली डिस्टेंस एल है और यहां से इस वाले सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस भी एल है या नहीं? इसको गिवन जो है आपको वो रिलीज किया, इसको रिलीज किया। अगर इसको रिलीज किया तो आप एक बात बताओ, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ एमजी लग रहा है, एमजी के अलावा कौन सा फोर्स दिख रहा है यहां पे घूमते हुए? कोई फोर्स नहीं। तो क्या मेरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड है या नहीं है? सिंस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सुनना तीन पार्ट है यहां पे, सुनो। के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियली तो रेस्ट पे थी तो इनिशियली तो सब जीरो है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल आपकी जीरो नहीं है। अच्छे से देखो, अगर आप इसको रेफरेंस लेवल मानते हो, इसको आप रेफरेंस लेवल मानते हो, इसको आप अगर रेफरेंस लेवल मानते हो, तो बेटा आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, सिर्फ और सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अरे ये इसका सेंटर ऑफ मास, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेंटर ऑफ मास से लिखते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास L/2 ऊपर है और रेफरेंस लेवल से इसका सेंटर ऑफ मास L ऊपर है, तो एक दो तीन पार्ट से ये जो रॉड बनी हुई है, तीन में से दो की तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक की जीरो होगी या नहीं होगी इनिशियली? हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा इसको अगर फर्स्ट है तो MgL प्लस, अगर ये वाला सेकेंड है तो यहां से यहां की MgL/2 प्लस तीसरी वाली बेटा Mg×0 होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। जब ये गिर रही होगी, जब ऐसी हुई होगी, तो आप बताओ इसकी इस एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? सोचो 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 सोचो, यही ओमेगा तो आपको निकालना है। अरे जब ये ऐसे गिर रही है, जब ये गिर रही है तो इसकी कुछ ना कुछ ओमेगा होगा या नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। अगर ऐसा है तो सोचो इज इक्वल्स टू तीन चीजें, एक दो तीन, तो जो आप रोटेशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, बेटा आई नेट होगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, आई नेट क्यों लिखा? ओमेगा तो सबका सेम रहेगा, रोटेशन में रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होता है, इतना तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली रॉड का अलग होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली रॉड का अलग होगा इस एक्सिस के अबाउट और इस वाली रॉड का अलग होगा इस एक्सिस के अबाउट, इसलिए मैंने आई नेट लिखा। प्लस फाइनली फाइनली ये वाला पहला था, ये कितना नीचे आ गया? यहां से देखना, यहां से मत देखना, यहां से रेफरेंस लेवल से एल नीचे आ गया, Mg-L प्लस बीच वाली रॉड Mg-L/2 प्लस जीरो लिख दूं तीसरी वाली का। भाई ये तो अपनी जगह पे ही है, ये तो कहीं नहीं गई, पहले भी वही थी अभी भी वही है। हाँ सर इसको ऐड करो, कितना हो रहा है? 3 Mg/L/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है? -3
एम जी एल बाई टू प्लस ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बात आती है आई लिखने की, अब सर बात चक्कर फंस रहा है आई कैसे लिखेंगे, बहुत आराम से। पहली वाली रॉड इस एक्सिस से, देखो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है। हाँ जी सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मास पूरा का पूरा यहीं पर है, तो क्या एम एल स्क्वायर हो जाएगा फाइनली पहली वाली रॉड का? एम एल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? एम आर स्क्वायर होता है एक पॉइंट मास का, हाँ सर पॉइंट मास का। इस पूरी रॉड को पॉइंट मास मान सकता हूं यहां पे, तो ये पॉइंट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है सर? एल। तो क्या एम एल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप खुद बताइए। एम एल स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ जी सर, एम एल स्क्वायर हो गया। इस वाली रॉड का, ये वाली रॉड अबाउट दिस एंड घूम रही है या नहीं घूम रही है? अरे भाई ये देखो, यही तो है, ये देखो यही तो है, ये रॉड है, अबाउट एक एंड घूम रही है, तो रॉड अबाउट एक एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है या नहीं होता है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस तीसरी वाली अपनी जगह पर है, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वहां से तो जीरो हो जाएगा, आप बताइए हाँ या ना? जीरो होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर होगा। तो अभी आप बताओ बेटा, ये इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डेढ़ प्लस डेढ़ तीन हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर, थ्री एम जी एल इज इक्वल्स टू वन बाई टू फोर एम एल स्क्वायर बाय थ्री, हाँ या ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। काटा पीटी पीटी काटा कर देंगे, एम एल एम एल उछका देंगे, तो बच्चों यहां से जो आपका ओमेगा आएगा, तीन तिर का नौ, नाइन जी अपॉन फोर एल का होल रूट, नाइन जी अपॉन फोर एल बोले तो थ्री अपॉन टू रूट ओवर ऑफ जी एल होगा। मजा आया क्वेश्चन समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बहुत सारे एक ही क्वेश्चन से, हाँ या ना? पक्की बात। अभी सुनिए, अब अपन जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स के ऊपर, अब सबसे इंपॉर्टेंट है। गला क्यों सूख रहा है बहुत ज्यादा भाई आज? सर सेकेंड वाले एल के लिए वैल्यू एल बाई टू नहीं होगी, एल बाई टू ही तो लिखी है। अब यहां पर एक रॉड का सेंटर, बेटा ये रॉड अगर घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लगता है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री लिखता है ना, हाँ या ना? हाँ सर, एम एल स्क्वायर बाई थ्री लिखता है, तो वही तो लिखा हुआ है। ये इसको इसको घुमाकर ऐसा टेढ़ा कर दे, अरे इसको ऐसा और ऐसा कर दे, अभी क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट ही तो ऐसे घूम रहा है या नहीं यहाँ पर? हाँ सर, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो तू मेरे को बताना बेटा, बीच वाली रॉड का ओमेगा कितना लिखेगा तू? हाँ, बीच वाली रॉड का ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री ना लिखेगा, दिख रहा है या नहीं? कौन सा टू से टू कैंसिल, कौन सा ये टू कैंसिल करेगा है? चपाटी चपाटे पड़ेंगे, कौन सा टू से फोर कटेगा भाई? एक मिनट, नौ कुछ गड़बड़ी की क्या? हाँ शायद एक चीज छूट रही है, राइट 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 राइट, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ नाइन जी अपॉन टू एल, ये आएगा नाइन जी अपॉन टू एल आएगा, ये अपन फोर तो टू तो भूल ही गए ना, एक ये वाला टू तो भूल ही गए ना बेटा, इसको दो बार काट दो अभी, ठीक है राइट? हाँ या ना? अब सुनिए, अब आ रहे हैं बवाल वाले प्रॉब्लम। अब हर प्रॉब्लम में अपने को क्या करना है, सुन लो बेटा, हर प्रॉब्लम में अपने को ये करना है,
आंख बंद करो, 3 बार अपने आप से बोलो, एक इक्वेशन बनेगी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की, एक इक्वेशन बनेगी टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा की, एक नया एक इक्वेशन बनेगी नो स्लाइडिंग कंडीशन की। याद करो अंदर से अपने आप से बोलो, मैं पूरे डायग्राम में एक इक्वेशन बनाऊंगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की, एक या दो भी बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन दो भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, लेकिन बनेगी एफ नेट इक्वल टू एम ए की, टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा की, या और एक बनेगी आपकी नो स्लाइडिंग कंडीशन की। अभी सुनो मेरी बात, दो तरीके हैं, मैंने अपना डिसाइड करके रखा है, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मैं कैसे बताने वाला हूं। एक तरीका है कि पहले ये इक्वेशन बनाओ और फिर उन इक्वेशन को मैथमेटिकली मैन्युपुलेट करो, इधर से एक अननोन की वैल्यू उठा के इधर रखो, इधर से अननोन की वैल्यू उठा के इधर रखो, इधर से अननोन की वैल्यू उठा के उधर रखो और फाइनली आंसर निकालो। अगर ऐसे कराऊंगा तो एक दो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन करवा सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको ये तीनों इक्वेशन एग्जैक्ट बना दूं और आपसे बोल दूं कि जो भी एक वेरिएबल टर्म्स में प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूं कि भाई इसमें क्या क्वेश्चन आए तो ये तीन इक्वेशन ऐसी बनेंगी, इसमें क्या क्वेश्चन आए तो तीन इक्वेशन ऐसी बनेंगी, इसमें क्या क्वेश्चन आए तीन इक्वेशन ऐसी, इसमें क्या आए तीन इक्वेशन ऐसी, तो जो अपना वो मैन्युपुलेशन वाला टाइम था वो बचेगा और नंबर ऑफ केसेस अपन ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए मैं दूसरा तरीका चुनने वाला हूं कि मैन्युपुलेशन वाला टाइम बचा के आपको नंबर ऑफ केसेस ज्यादा करवा दो। ठीक है, आइए देखते जाइएगा और मजे लेते जाइएगा क्योंकि अब असली फिजिक्स आ गई है, दिस इज रियल फिजिक्स। रोलिंग मोशन की शुरुआत हो चुकी है, कल आपको रोलिंग मोशन पढ़ाऊंगा, उसके पहले उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, उसका एक भौकाल समझा देता हूं आपको क्या होता है। आते जाइए, देखते जाइए, करते जाइएगा, ठीक है। टीपा टापी आराम से करना, जल्दीबाजी मत करना टीपा टापी में, नहीं बेटा यहां पर धरे रह जाओगे। अभी ये दूसरा क्वेश्चन चलेगा यहां पे, तो इसको मत छेड़ना अभी के लिए, ठीक है। चीजें आइडेंटिकल हो तो कितना मजा आता है ना यार सॉल्व करने में। अरे यहाँ की डंडी उधर चलेगी, बताओ, एक जगह टिकने ही नहीं है बिल्कुल। रेडी रेडी फॉर द क्वेश्चन? हाँ या ना? देखिए बच्चों, इट्स अ डिस्क, इस बार पुली का मास है ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ये पुली नहीं है, इट्स अ डिस्क, मास दे के रखा हुआ है आपको, और ये एक ब्लॉक है। ये क्या है बेटा आपका? एक ब्लॉक है, इसको रिलीज किया अपनी रेस्ट की कंडीशन से और आपको दे के रखा हुआ है नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, नो स्लाइडिंग की कंडीशन आपको दे के रखी है कि कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। आप एनालाइज करिए, मैंने क्या कहा, तीन इक्वेशन, पहले जितने भी फोर्सेस वगैरह वगैरह आपको दिख रहे हैं ना सब लगा दो, जितने जो जो जहां पे जैसे जैसे पैरामीटर दिख रहे हैं सब लगा दो। सर यहां नीचे की तरफ एमजी एक्ट करेगा, यहां नीचे की तरफ एक एमजी एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक टेंशन एक्ट करेगी, वही टेंशन सर यहां पर भी एक्ट करेगी,
ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस वाली स्ट्रिंग में भी एक टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। इसका जो एम जी है सर, ये एम जी इसका इसका जो एम जी है ये अपना नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इसका जो एम जी है यहां से नीचे की तरफ एक्ट करेगा। हायर, इतनी ही चीजें दिख रही हैं, राइट और रॉन्ग। हाँ सर, थोड़ा सा चीजों को अच्छा करने के लिए इसको स्मॉल एम ले लो तो ज्यादा अच्छे से और चीजें समझ आएगी। सोचो, ये जो धागा इसके ऊपर बंधा हुआ है, तो आपको नहीं लगता इसका जो एम जी है, इसका जो एम जी है या नीचे लग रहा है, इसकी टेंशन यहां लग रही है, ये टेंशन यहां, ये जो डिस्क है, डिस्क इसका एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और लेट से ये वाली स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन आ रही है टी डैश, कोई दिक्कत नहीं। सोचो 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 सोचो, ये क्या ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, इसके ऊपर ये लाल वाली स्ट्रिंग रैप्ड है, तो क्या ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा होगा? अगर ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये टेंशन है, आपको नहीं लगता विथ सम ओमेगा ये रोटेट कर रहा होगा, या किसी, एक मिनट, या किसी अल्फा से रोटेट कर रहा होगा? हाँ या ना, विथ सम अल्फा। सोचो सोचो सोचो, फील करो इस चीज को, क्यों कर रहा होगा रोटेट, क्यों कर रहा होगा? यहां पे टेंशन है। इस बार ये आइडियल पुली मासलेस नहीं है, इसका मास है, और इसका मास है तो इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो रोटेट कर रहा होगा। देख देख देख, ये डिस्क दे के रखा है, यहां से रस्सी खींच, मान सोच, यहां पे रस्सी बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, खींचेगा, अगर ये तू डिस्क खींचेगा, नीचे की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ टेंशन है, ये टेंशन एक ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करेगा। हाँ या ना, ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, ये ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और इस टॉर्क के कारण ये एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्क में आ रहा होगा, राइट और रॉन्ग? फील आना चाहिए, आना चाहिए। अगर ये नीचे आ रहा है तो क्या बेटा इसका अपने पास खुद का एक एक्सेलरेशन होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। पहली कंडीशन में लगाने जा रहा हूं, पहली कंडीशन में लगाने जा रहा हूं, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। पहली कंडीशन क्या लगाने जा रहा हूं? समेशन ऑफ फोर्स फॉर मास टाइम एक्सेलरेशन। किसके लिए लगाऊंगा ये कंडीशन? ब्लॉक के लिए। हाँ या ना? क्योंकि ब्लॉक के पास ही एक्सेलरेशन है। ब्लॉक के लिए कंडीशन लिखो, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम है, एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, इस ही पुली में, इस ही सिस्टम में आपको क्या एक ऐसी चीज दिख रही है जो अपनी जगह पे रोटेट कर रही है लेकिन कहीं जा नहीं रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है? हाँ सर, एक चीज दिख रही है, ये पुली अपनी जगह पर ऐसे घूम तो रही है लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं जा रही है। अगर ऊपर नीचे नहीं जा रही है, यानी इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का सम जीरो होगा, तभी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, मैंने रोटेशनल वर्ड यूज नहीं किया। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनो, पूरा एक्सपीरियंस लगा के पढ़ाऊंगा। ट्रांसलेशनल वर्ड यूज नहीं किया, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है तो बेटा फॉर पुली आराम से देखो देखो देखो, एक एक और इक्वेशन दिख रही है, समेशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो, किसके लिए? फॉर पुली, मैंने कहा था फॉर पुली। हाँ, यानी कि पुली के ऊपर टी डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस टी हो जाएगा, या नहीं? टी डैश इज इक्वल टू मास ऑफ पुली प्लस टेंशन टी होगा, राइट और रॉन्ग? एकदम चौकी बात है। अच्छा, ये पुली घूम रही है, अगर ये पुली घूम रही है तो समेशन ऑफ टॉर्क, पी पॉइंट कहाँ है हमारा? ये है भाई, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल्स टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा हो जाएगा। बेटा टॉर्क प्रोवाइड करने वाला एक ही दिख रहा है, ये देखिए एम जी का टॉर्क तो अबाउट पॉइंट पी जीरो हो जाएगा भाई। समेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क ऑफ एम जी प्लस टॉर्क ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू आई पी इंटू अल्फा होगा या नहीं? हाँ जी सर।
अब आप बताओ बेटा, mg का टॉर्क तो जीरो हो रहा है, टेंशन का टॉर्क t इंटू आर, टी आर इज इक्वल्स टू, अगर डिस्क है, अगर डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा या नहीं, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। सारी चीजें अभी तक जो पढ़ा है ना, एनएलएम ले लो, वर्क पार एनर्जी ले लो, सर्कुलर मोशन ले लो, डायनेमिक्स ले लो, काइनेमेटिक्स ले लो, सब दिख रहा होगा यहां पे, सब दिख रहा होगा आराम से एकदम। हाँ अच्छा, अगर ये आ गया, अब मैं यहां पे कुछ बताने जा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। दिस वन इज योर पक्षिक पक पक, दिस वन इज योर इक्वेशन वन, दिस वन इज योर इक्वेशन टू, एंड दिस वन इज योर इक्वेशन थ्री। मैंने आपको कहा था अगर अगर डायनेमिक्स है तो ये तीन लगेगा, इक्विलिब्रियम है ये दो लगेगा, पांच इक्वेशन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको पूरे क्वेश्चन में, बार बार यही चीज रिपीट होगी। अभी दो तीन क्वेश्चन जब करेंगे ना, आप बोलोगे ई तो ई छे छी छी छे। अच्छा अच्छा, अभी आप एक बात बताओ, एक चीज यहां पे बहुत खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है, नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग यानी नो स्लाइडिंग, नो स्लिपिंग एक ही बात है, प्योर रोलिंग है। इसको एनालाइज करो, इसकी कंडीशन कैसे बनाना है, प्योर नो स्लिपिंग यानी क्या, स्लिपिंग कहां हो सकती है पहले सोचो। सर स्लिपिंग हो सकती है यहां पे धागे की सिलेंडर के ऊपर, डिस्क के ऊपर, सोचो, सोचना, इमेजिन कर, अगर धागा धीरे नीचे आए और डिस्क तेज घूमने लगे, देख धागा नीचे आ, देख ये है तेरा धागा, ये है डिस्क, ये है धागा, धागा 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 धीरे नीचे आ रहा है और डिस्क तेज घूम रही है, धागा धीरे नीचे आ रहा है, डिस्क तेज घूम रही है, स्लिपिंग हो रही है या नहीं, धागा धीरे नीचे आ रहा है, डिस्क तेज घूम रही है, इसका उल्टा कर, धागा तेज नीचे आ रहा है और डिस्क धीरे धीरे घूम रही है, धागा तेज नीचे आ रहा है, धागा तेज नीचे आ रहा है, डिस्क धीरे घूम रही है, धागा तेज नीचे आ रहा है, डिस्क धीरे घूम रही है, क्या स्लाइडिंग हो रही है या नहीं, हो रही है। एक ही ऐसी कंडीशन होगी जिसमें धागा और डिस्क दोनों एक साथ अगर नीचे आए, धागा जितनी तेजी से नीचे आए उतनी तेजी से अगर डिस्क घूमे, तो ना धागा डिस्क के ऊपर स्लाइड करेगा, ना डिस्क धागे के ऊपर स्लाइड करेगी। अगर डिस्क तेज घूमी तो डिस्क धागे के ऊपर स्लाइड कर गई, अगर धागा तेज घूमा तो धागा डिस्क के ऊपर स्लाइड कर गया, अगर दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, ना धागा डिस्क के ऊपर स्लिप होगा और ना ही डिस्क धागे के ऊपर स्लिप होगी। आटा चक्की में होता है, बिल्कुल एकदम सही बात है, होता है, आपने देखा होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है पहले समझिए, अगर ये घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है अल्फा से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का नीचे की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होगा या नहीं होगा। हाँ जी सर। और ये जो नीचे आ रहा है धागा, ये ए के एक्सेलरेशन से आ रहा है, धागा नीचे की तरफ ए के एक्सेलरेशन से आ रहा है। यार आप बताओ, AT equals to A equals to R alpha होना चाहिए for no sliding, no slipping condition. आप बताओ, आप जज कर लो, फील आपके हाथ में है, जब तक नहीं आएगा समझ तब तक आगे नहीं जाऊंगा। कर लो आराम से, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है बेटा, हर एक बच्चे को रोटेशन समझ आना चाहिए, हर बच्चे का सपना पूरा होना चाहिए फिजिक्स समझने का। बढ़िया बात, ये वाला जो पॉइंट है ये ए के एक्सेलरेशन से ऑलरेडी नीचे आ रहा है, एंड ड्यू टू रोटेशन ये नीचे की तरफ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा से आएगा। हाँ यार, हाँ जी सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा से आएगा। तो फॉर नो स्लाइडिंग एटी मस्ट बी इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा होगा या नहीं होगा, चार इक्वेशन बनी। सुनो मेरी भाई,
कहीं का क्वेश्चन पूछ ले ब्रह्मांड में, इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर एक मास एक डिस्क है, सिर्फ आपको मास की वैल्यू, देखो अननोन क्या क्या हो सकता है, एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन और चार अननोन, टी डैश, चार अननोन है, चार इक्वेशन है। क्या हम मैन्युपुलेट करके निकाल सकते हैं? यानी एम आपको दे के रखेगा, आर आपको दे के रखेगा, एम और आर को छोड़ दो, एक्सेलरेशन, टेंशन, जी पता होगा, एम एक्सेलरेशन ऊपर काउंट कर लिया, टी डैश अल्फा, चार इक्वेशन, चार वेरिएबल, बेटा उठा के धुआं धुआं कर देंगे या नहीं कर देंगे? एग्जैक्टली नेहा, ब्लॉक की वेलोसिटी और डिस्क की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो ब्लॉक की जिस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, सेम उसी पॉइंट पे डिस्क की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो चेंज होना चाहिए। अगर वो चेंज सेम होना चाहिए, अगर वो चेंज हो गई तो स्लाइडिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वेलोसिटी नहीं लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्चुअल कंडीशन यही होती है कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, जो डिस्क की टेंजेंशियल वेलोसिटी और ब्लॉक की डाउनवर्ड वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज स्लाइड होंगे। क्लियर है? चार इक्वेशन, चार वेरिएबल, मैनिपुलेशन आपके हाथ में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार दो ब्लॉक दे रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाएंगी लेकिन ढांचा तो यही रहने वाला है। एक ब्लॉक आपका ये है बेटा, एक ब्लॉक आपका ये है और एक ब्लॉक आपका ये है। ऐसे आपको दो ब्लॉक दे दिए। इट्स अ डिस्क ऑफ, इट्स अ अगेन अ डिस्क ऑफ मास एम, रेडियस आर, ये एम वन दिया है, ये एम टू दिया है, रिलीज्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन, और बोल के रखा है बेटा नो स्लिपिंग, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। सबसे पहले जितने तो भी फोर्स दिख रहे हैं ना, सब कांड दो, एक एक करके लगा दो सारे के सारे, कोई लोड वाली बात नहीं। एम टू जी सर, एम वन जी सर, इसका एम जी, यहाँ पर सर इसकी टेंशन, सर यहाँ पर सर इसकी टेंशन, सर यहाँ पर ये वाली टेंशन, यहाँ पर ये वाली टेंशन। आराम से सुनो, अब दिक्कत होगी आपको थोड़ी सी, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, भरोसा रखो, कोई नहीं फिसलेगा, नो स्लाइडिंग की कंडीशन चलेगा पूरा लेक्चर। इसका एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, इसके ऊपर टी डैश लेना है ले लो, डजेंट मैटर, हालांकि उतना है नहीं, ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी सुनो, यहां पे लिख रहा हूं टेंशन, बट ये टी वन होगी, ये टी टू होगी, ये टी वन होगी, ये टी टू होगी, है सर, है सर, है सर, स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम होती है, आप ये क्या कांड कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, सर मैं नहीं मानता। सोचो 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 सोचो, क्या ये डिस्क घूम रही होगी या नहीं घूम रही होगी? आप सोचो, इसके पास मास है, अगर इसके पास मास है और जब तक फिक्स नहीं दिया जाए तो क्या ये घूम रहा होगा, हाँ या ना? सोच लो, आप आराम से सोच लो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, सोच लो, क्या डिस्क घूम रही होगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। और एक और चीज अगर आपको दिए, मान लो जो एम टू है वो ग्रेटर देन एम वन है, अगर एम टू ग्रेटर देन एम वन है तो मेरे लाल बताओ मेरे को, ये ए के एक्सेलरेशन से अगर नीचे आ रहा है तो ये भी ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। सर टेंशन अलग अलग, अगर घूम रही है, अगर घूम रही है तो घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। कोई चीज अगर घूम रही है, सोचो ये आपकी डिस्क है, फील कर हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, और यहां पर टेंशन सेम कर दी तो क्या ये कभी घूम पाएगी? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, कैसे घूम पाएगी आप बताओ? अगर दोनों टेंशन सेम होगी तो क्या घूम पाएगी? नहीं। अगर घूम रही है तो क्या दोनों टेंशन सेम होगी? नहीं। अगर टेंशन सेम होगी तो घूम नहीं पाएगी, और अगर घूम रही है तो क्या टेंशन सेम हो पाएगी? नहीं, हाँ ना? नहीं हो पाएगी, क्योंकि
और ये डिस्क भी कैसे घूम रही होगी आप ये भी बताओ। सर ऑब्वियसली एम टू ज्यादा है तो एम टू नीचे आ रहा होगा, एम टू नीचे आ रहा है तो बेटा डिस्क इस डायरेक्शन में घूम रही होगी, और अगर बेटा डिस्क इस डायरेक्शन में घूम रही होगी विद सम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो जरूरी टी टू ज्यादा टी वन कम होगा, टी टू ज्यादा टी वन कम होगा, टी टू ज्यादा टी वन कम होगा, तभी तो डिस्क को घुमा रहा होगा या नहीं घुमा रहा होगा। हाँ या ना, फील आया या नहीं आप बता दो, मैं रुकूंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा, मैं रुकूंगा आप बताओ एक एक फील आया या नहीं आया। सर अगर दोनों ब्लॉक का मास सेम कर दें तो क्या होगा? बेटा दोनों ब्लॉक का मास सेम कर देगी तो एक्सेलेरेशन जीरो ना हो जाएगा ढोर, m2g - m1g डिवाइड, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? दोनों ब्लॉक का मास सेम कर देंगे तो लटके रहेंगे, कहां से हो जाएगा? राइट और रॉन्ग? अब इधर आइए, वन आफ्टर अदर फॉर ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, अच्छे से देखिएगा बच्चों, ब्लॉक के लिए मैं लिखने जा रहा हूं समेशन ऑफ एफ नेट, ब्लॉक के लिए लिखने जा रहा हूं समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। पहले फर्स्ट ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए t1 - m1g is equals to m1 है। सेकेंड ब्लॉक के लिए, सेकेंड ब्लॉक के लिए m2g - t2 is equals to m2 है। हाँ या ना? आ जाते हैं पुली के ऊपर, फॉर पुली, पहली इक्वेशन पुली के लिए लिखने जा रहा हूं समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये पुली ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है बेटा, टी डैश इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी वन प्लस टी टू हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ जी सर, पुली के लिए लिखने जाओ समेशन ऑफ नेट टॉर्क अबाउट पी, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल्स टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा लिखूंगा या नहीं? पॉइंट पी कौन सा है? जिसके अबाउट घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है या नहीं घूम रही है? हाँ या ना? हाँ जी सर, खेलो खेलो खेलो। ऑब्वियसली अंधा भी देख के बताएगा, सोचो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता था उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेते थे, या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लिया उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा मानना पड़ता था, इक्वेशन उस हिसाब से लिखते थे, f1 - f2 लिखना है या f2 - f1 लिखना है, ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिसाइड करता था। तो बच्चों अगर मैंने इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिया तो जरूर t2 बड़ा मानना पड़ेगा t1 से, अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन मानता तो बेटा t1 बड़ा मानना पड़ता t2 से, यानी अगर इस डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता तो t1r - t2r is equals to ip alpha, और अगर इस डायरेक्शन की लिख रहा हूं तो t2r - t1r into ip alpha। सर माइनस क्यों? क्यों भाई? आपको ये वाला, आपको आपको मेरे लाल, आपको ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मानना पड़ेगा, हाँ या ना? और इसका टॉर्क अबाउट पी नेगेटिव मानना पड़ेगा या नहीं? आप खुद बता दो ना आराम से। हाँ सर, कोई कोई लोड वाली बात ही नहीं, अगर लोड वाली बात ही नहीं है तो आपको मान के चलना पड़ेगा अगर इस तरफ है तो t2 ज्यादा होगा, यानी कि t2r - t1r is equals to ip, कितना हो जाएगा बेटा? सर mr² / 2 into alpha, तो यहां से बेटा t2 - t1 into r is equals to mr² / 2 into alpha आ रहा है, हाँ या ना? ये भी सही है। दिस इज योर इक्वेशन वन, दिस इज योर इक्वेशन टू, दिस इज योर इक्वेशन थ्री, दिस वन इज योर इक्वेशन फोर। लास्ट फॉर नो स्लिपिंग क्या कंडीशन बनेगी सोचो, फॉर नो स्लिपिंग
बताइए बेटा क्या कंडीशन बनेगी, सोचो 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 सोचो, नो स्लिपिंग के लिए क्या कंडीशन बन सकती है, सोचोगे तो ही आप बनाओ ना डायग्राम। ये है सर्कल, सोचो स्लिपिंग नहीं करवानी है, ठीक है। अगर स्लिपिंग नहीं करवानी है, अगर स्लिपिंग नहीं करवानी है तो सोचो आराम से, एकदम आराम से। स्लिपिंग नहीं करवानी है तो कंडीशन क्या बनना चाहिए, ये कैसे रोटेट कर रहा है, देखो टेंजेंशियल एक्सेलेशन क्या आ रहा है, एक्सेलेशन क्या आ रहा है, सोचो जरा यहाँ पे। अगर स्लिपिंग नहीं करवानी है तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के ऊपर थ्रेड जो है वो नीचे की तरफ ए एक्सेलेशन से आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर थ्रेड जो है वो ऊपर की तरफ ए एक्सेलेशन से जा रही है। हाँ जी, अगर बेटा ये कैसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा ही घूम रहा है या नहीं अल्फा से, हाँ जी सर, अगर ये ऐसा घूम रहा है तो यहाँ पर नीचे का जो बेटा एटी होगा वो आर अल्फा होगा, और इधर ऊपर ये ऐसे जा रहा है, मैंने आपको एक्सेलेशन वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, टेंजेंशियल एक्सेलेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन वेलोसिटी सब कैसे बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, एटी इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इन ईदर ऑफ द सिचुएशन एटी मस्ट बी इक्वल्स टू ए, एटी मस्ट बी इक्वल्स टू ए, दैट इज आर अल्फा होना चाहिए, हाँ या ना, राइट और रॉन्ग, ये है भाई फिजिक्स। एटी इक्वल्स टू ए, क्या एक भी चीज न्यू आई अभी तक, ये सारी चीजों की खिचड़ी बन गई। पांचवी, क्या वही काम बार बार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप बता दीजिए हाँ या ना, मजा आया सबको, मजा आया या नहीं आया फटाक से बता दो एक बार। है मजा, मजेदार फिजिक्स है कि नहीं है, चलिए आइए। अरे लोलिंग मोशन आ गया, अभी कहाँ से लोलिंग मोशन आ गया, अभी तो 8-10 सवाल करवाइएगा। अरे नहीं भाई काफी हो गए हो तुम तो। नहीं चलिए आइए, यहाँ देखिए आराम से, एक आपको बच्चों रिलीज्ड की कंडीशन दी है, रिलीज्ड नो स्लिपिंग, इस बार दे के रखा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, कैसा दे के रखा हुआ है अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, सिचुएशन को इमेजिन करेंगे तो ही क्वेश्चन समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। धागे की गिट्टी है सबके यहाँ, धागे की गिट्टी है या नहीं है, इट्स अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड लेंथ, रेडियस आर एंड लेंथ एल ले लेंगे, डजेंट मैटर, आर से ही काम हो जाएगा। ये ऐसा सब बंधा हुआ दिख रहा है, हाँ सर बंधा हुआ दिख रहा है, आपको इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, एक धागे की गट्टी लो, धागे की गिट्टी का एक धागा पकड़ो और उसको छोड़ दो, क्या वो घूमता हुआ नीचे गिरेगा या नहीं, हमारा चार्जर जो हर एक कंडीशन में अपने काम आता है,
भौरा चलाए कभी लट्टू? ऐसा चला के सब फट से देते थे बिल्कुल। मैं तो इतना तेज मारता था कि कभी ऐसा निशाने पे लगता था तो सीधे सामने वाले का भौरा जो दूसरे का था लट्टू वो फट जाता था। चलो देखो, ये है वो सिलेंडर। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा देखना। क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ। ये है मेरा सिलेंडर, उसके ऊपर धागा लगा हुआ है, और धागा लगा हुआ है ये, मैंने इसको ये देखना है। ठीक है, क्या होगा? आपको नहीं लगता ऐसे गोल 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 घूमते हुए गिरा? अरे भाई, अब ये नहीं गिरा सकता हूं, ये तो नहीं गिरा सकता हूं। जब भी इसके ऊपर धागा अगर बंधा हुआ, ये आपका क्या सॉलिड सिलेंडर है? हाँ, अगर इसके ऊपर धागा बंधा हुआ है तो क्या ये ऐसा, धागे को अगर मैं छोड़ूंगा, ये देखो, ये लो, ये देखो, ये धागा है, देखना है क्या हुआ जब छोड़ा तो। ये धागा इसके ऊपर बंधा हुआ था, क्या हुआ जब छोड़ा तो? गोल गोल होता हुआ नीचे आया, यानी धागे की गट्टी कैसी रहती है, धागा पकड़ो छोड़ दो नीचे आ रहा है। आपने इसको भी ऐसे ही यहां से बांध के छोड़ दिया। अब जैसे ही बांध के छोड़ा तो क्या ये ऐसा नीचे आएगा या नहीं आएगा गोल घूमता हुआ, हाँ या ना? आराम से सोच समझ के बोलिएगा। क्या ये गोल घूमता हुआ, क्या ये गोल घूमता हुआ, क्या ये गोल घूमता हुआ नीचे आएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल आएगा। जब ये गोल घूमता हुआ नीचे आ रहा है, आपको इसका एनालिसिस करना है। अगर मैं यहाँ साइड से देखूं, अगर मैं यहाँ साइड से देखूं तो सिलेंडर की लेंथ दिखेगी या सिर्फ एक सर्कल दिखेगा, सोचो। अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूं, साइड से देख रहा हूं, ये देखो, ये है, ये मैं यहाँ साइड से देख रहा हूं, ये साइड में ऐसे ही कर देता हूं, ये देखो, क्या ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ सर्कल दिख रहा है या नहीं? सर्कल। और यहाँ साइड से ऐसा धागा, यहाँ साइड से ऐसा धागा बंधा हुआ पीछे दिखेगा, वो एकदम सर्कल के इधर पे दिखेगा या नहीं, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, साइड व्यू बनाने जा रहा हूँ। मजेदार है यार फिजिक्स, पढ़ो तो अच्छे से, आराम से, इत्मीनान से, इतनी देर में कहीं दूसरी जगह 6 7 8 क्वेश्चन निपटवा देते आपके। कर लो बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, अरे भाई दो कर, लेकिन समझ तो आए बच्चे को। साइड व्यू चिपका रहा हूं आप लोगों को, आराम से देखिएगा। साइड से जब मैं देख रहा हूं तो मेरे को ये आर रेडियस का सर्कल दिख रहा है, और इस आर रेडियस के सर्कल के ऊपर यहाँ साइड से ये धागा बंधा हुआ दिख रहा है या नहीं? ऐसा दिखेगा, हाँ या ना? और अगर ऐसा दिख रहा है, सोचो सोचो सोचो, अब सारी चीजें लगा दो, अब लगा दो जितने फोर्स आपको दिख रहे हैं। सर यहां से एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, यहां से टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, और सर इसका, इस टेंशन के कारण इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा होगा सम अल्फा से। और कुछ दिख रहा है क्या आपको इसके अलावा? इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? हाँ सर, एक चीज, क्या बेटा? ये इस बार नीचे आ रहा है खुलते हुए, क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ दिख रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ दिख रहा है। लगाओ भाई टाउ नेट की इक्वेशन लगाओ, एफ नेट की इक्वेशन लगाओ, जो जो दिख रहा है, नो स्लाइडिंग की इक्वेशन लगाओ, करो अब आप सॉल्व। मतलब डिस्क लेंगे, अर्जित दास, अर्जित दास ने सिलेंडर को डिस्क बना दिया, वाह तथास्तु, आज से सिलेंडर तेरा नाम डिस्क होता है? अबे है सिलेंडर ही, साइड से देख रहा है, तेरे को कोई साइड से देखे तो तू लड़की हो जाता है क्या? है, या लड़की को साइड से देखो तो लड़की लड़का हो जाता है क्या? लड़की तो लड़की रहती है ना बे। सिलेंडर को तूने साइड से देखा, डिस्क कैसे ले लेगा?
है, पापा को साइड से देखते हो मम्मी दिखती है, मम्मी को साइड से देखते हो पापा दिखते हैं, ऐसा होता है क्या? हमारे घर तो ऐसा नहीं होता कुछ है। मैंने क्या किया, इतने अच्छे से बताया, सिलेंडर को साइड से देखा, सर्कल दिखे, डिक्का उली मैंने। तू ऐसा बोलता क्लियरली जैसे मैं बात कर रहा हूं कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का लेंगे तो ठीक भी होता। अब तू बोलेगा जस्टिफाई करने के लिए, सर मैं वही बोल रहा था, मैं यहां गलत लिख देता हूं, मैं बोल देता हूं मैं वही लिख रहा था। मालो यार कहां से आते हो भाई, कहां से आते हो, कहां से आते हो भाई। चलिए 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 चलिए, पहली इक्वेशन बनेगी समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, हाई एन सेंटर ऑफ मास भी लगाऊंगा ये हर बार, पीछे भी जहां भी था सेंटर ऑफ मास ही था भाई, यहां पर जहां पे भी लगाए सेंटर ऑफ मास पे ही लगाई थी, ये नहीं लगाई थी ये सारी इक्वेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ तो सेंटर ऑफ मास के लिए ही वैलिड होता है ना। हाँ सर, नेट फोर्स क्या लग रहा है? सर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूंगा या नहीं? हाँ जी सर, एम जी माइनस टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे? समेशन ऑफ नेट टॉर्क, टॉर्क किसके अबाउट लिखते हैं? पी के अबाउट, आई पी अल्फा। आप खुद बताओ एम जी का कुछ लिखेंगे क्या? आप खुद बताओ बेटा एम जी का कुछ लिखेंगे क्या? नहीं सर, एम जी का कुछ नहीं लिखेंगे, एम जी का टॉर्क जीरो हो जाएगा। यानी कि बेटा टी इंटू आर सॉलिड सिलेंडर को डिस्क मान ले अर्जित यार, यही बोल रहा था ना तू, फोकट चपा गया। एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन की एक दिक्कत फंस रही होगी, क्या ही फंस रही है बेटा, आपको कुछ करना ही नहीं है, इधर लो फॉर, देखो सब बनाओ, फॉर नो, फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए क्या चलता है बेटा आप खुद बताओ। सर नो स्लिपिंग कंडीशन है, पहले तो सर मैं जहां पे भी स्लिपिंग हो रही होगी वो ये वाला पॉइंट होगा, इसके अलावा तो कहीं हो नहीं सकती स्लिपिंग। हाँ सर, इसके अलावा तो कहीं पर भी स्लिपिंग हो नहीं सकती। अच्छा अच्छे से देखो, अगर इसका सेंटर ऑफ मास आप देखोगे तो वो ACM से नीचे आ रहा है और अल्फा से घूम भी रहा है। जो इसका सेंटर ऑफ मास है ACM से नीचे आ रहा है बच्चे और अल्फा से घूम भी रहा है या नहीं? हाँ जी सर। तो सुनो सुनो, अगर सेंटर ऑफ मास ACM से नीचे आ रहा है तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इस रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट है सारे के सारे ACM से नीचे आ रहे होंगे, मेरे को तो सिर्फ ये वाला पॉइंट देखना है। हाँ सर, ये वाला पॉइंट भी ACM से नीचे आ रहा होगा भाई, रिजिड बॉडी पे जितने भी पॉइंट है सारे ACM से सेम ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, याद आया? हाँ। और सर एट द सेम टाइम ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आर अल्फा से ऊपर भी जा रहा होगा, आर अल्फा से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आर अल्फा से ऊपर भी जा रहा होगा। बच्चों इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन आपको नहीं लगता इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन? हाँ यार, जो AT है वो ACM के बराबर होना चाहिए, दैट इज आर अल्फा के बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन बराबर होना चाहिए। अगर AT ज्यादा हो गया, अगर AT ज्यादा हो गया तो डिस्क खिसकती हुई, डिस्क बोल दिया, आपके साथ रह के वो लग गई, सॉलिड सिलेंडर खिसकता हुआ रगड़ता हुआ नीचे आ रहा होगा। अगर A ज्यादा हो गया तो बच्चों थ्रेड रगड़ती हुई ऊपर जा रही होगी, हाँ या ना? क्लियर? क्लियर और नॉट? राइट और रॉन्ग? इसी में SCB में क्या क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, एक ये तो है ही है, साथ में आप करके देखना बेटा, ऐसी दो लगा दी है यहां पे, दो लगा दी है तो क्या दिक्कत है? अगर यहां पे दो लगा दी है, इधर से देखेगा तो एक टेंशन यहां, एक टेंशन यहां, यहां पे टूटी आएगा, अगर यहां पे टूटी आएगा तो इधर टूटी कर देना, क्या दिक्कत है?
थोड़ा सा ही तो चेंज किया, एक टेंशन ही तो बढ़ा ही है। अगर एक टेंशन बढ़ाएगा तो यहां पर माइनस ऑफ टू टी आ जाएगा, यहां पर टू टी आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम लगाने में लगे होंगे या नहीं। दो 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 गिट्टियों को एक साथ जोड़ देना और दोनों धागों से पकड़ के, अब गिट्टी नीचे आ रही है, दोनों दोनों धागे ऊपर है, उससे क्या दिक्कत है। पहले टेंशन टी आ रही थी, अब टू टी आएगी, बस टी की जगह टू टी रख देना, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो आप शायद देख कर छोड़ देते हैं, शायद। आइए इधर देखिएगा, आपकी एक डिस्क है, ये डिस्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है, ये डिस्क इस पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स है। अभी पता किन बच्चों की मौत आ रही होगी, उन बच्चों की मौत आ रही होगी बेटा जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने मेरे बोलने के बाद भी कल टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, जिन्होंने क्लास मिस करी है बीच बीच से, अब बोल रहे होंगे कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख रहे हैं, जिन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है उनके तोते उड़े होंगे कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट आप टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम का कैसे लिख रहे हो। ये वही बच्चे बनेंगे बेटा आगे जाके जो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे कि रोटेशन लास्ट में पढ़ना, छोड़ देना उसको, बाकी सब पढ़ लेना, है ना। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स टफ है, अब यहां पे आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है सब एक साथ आ रहा है, सबका सबरा एक साथ आ रहा है और हर क्वेश्चन की थीम सेम है, जितने भी फोर्स जितने भी एक्सेलेशन लग रहे हैं सब लगा दो, फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लिखो, नो स्लाइडिंग की कंडीशन लिखो, अगर कहीं पे कोई इक्विलिब्रियम पर है तो वहां पर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन रखो, बात खत्म। यही तो करना है, यही तो अभी अलग अलग पढ़ते हुए आ रहे थे, अब एक साथ पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें। पहले बेटा पहले बताया चावल को भिगोते कैसे हैं, फिर चावल को भिगोए हुए साइड रख दिया, फिर बताया दाल को भिगोते कैसे हैं, दो बार धोना है उसको साइड रख दिया, उसके बाद बताए ये हल्दी होती है, ये जीरा होता है, ये धना होता है, ये नमक होता है, ये सौंफ होती है, कभी भी चावल में सौंफ नहीं डालनी है, हमेशा जीरा डालना है, ध्यान रखना, आलू की सब्जी बनाओ तो सौंफ डालना है, जीरा नहीं डालना है, याद रखना, ये सारी चीजें बताई, नमक स्वाद अनुसार लगाया जाता है, अब क्या कर रहे हैं, सारी चीजें सिखा दी, अब खिचड़ी बनाना सिखा रहे हैं, पहले डालेंगे चावल, नहीं सर पहले डालेंगे तेल, हाँ पहले डालेंगे तेल, फिर डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक, फिर डालेंगे मिर्ची, फिर डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे आलू, फिर डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे गरम मसाला, फिर डालेंगे चिंग्स का कोई सा एक मसाला जिससे अच्छा बन जाए, फिर उसको बढ़िया टमाटर डाल के कॉर्न डाल के चला देना, और चलाने के बाद उसमें आप डालना बेटा क्या, उसमें आप डालना चावल और उसके साथ दाल, एक नंबर खिचड़ी बनेगी। अब ये कोई बीच में आया, अच्छा मसाला बन गया, ये क्या डाल रहे थे, ओए सर मसाला कैसे बना ये तो बता दो, क्या करें ऐसो का बताइए, क्या करेंगे हम ऐसो का, गैस ऑन करना भूल गए, गैस तो आग तो अंदर लगी रहनी चाहिए आपके, गैस का क्या करोगे। वाह 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 सर गैस ऑन करना भूल गए, क्यों वैसे तो बहुत जलन होती है तुमको, है आज नहीं जल रहे हो, तेज चलते हो मेरे से वो भी, पर गैस ऑन करना भूल गया है, उस दिन तो बहुत जलन हो रही थी बेटा तेरे को, है क्यों वो भी मैं बताऊं किस दिन, क्यों चल ये दो डिस्क हैं, चलो 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 इधर आ जाओ, इट्स अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, एंड इट्स अ डिस्क ऑफ मास
2m एंड रेडियस 2r, दिख रही है, देखकर ही दिख रही है। अब इसको रिलीज किया, रिलीज किया यानी रेस्ट पे, और आपको देके रखा हुआ है नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग बोल दो, नो स्लिपिंग बोल दो, एक ही बात होती है, यानी प्योर रोलिंग हो रही है, हाँ या ना। अब आप बताइए, अब आप बताइए सारी कंडीशन कैसी कैसी क्या क्या बन रही है, आराम से देखो। पहले तो जितने फोर्सेस लग रहे हैं सब लगा दो। सर ये 2mg नीचे लग रहा होगा, सर ये यहाँ से mg नीचे लग रहा, पक्की बात, ये यहां से mg नीचे लग रहा होगा, यहां से टेंशन नीचे लग रहा होगा, और यहां से टेंशन ऊपर लग रहा होगा, हाँ या ना। हाँ जी, एक टेंशन यहां भी लग रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, वो मैं नहीं लगाता हूं अभी के लिए, ठीक है। आइए लिख लो पहले क्या क्या लग रहा है। यहां से सर 2mg नीचे लग रहा है, यहां से सर mg नीचे लग रहा है, राइट। यहां पे सर टेंशन लग रही है, यहां पर भी सर टेंशन लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, सोचना, ये है ऑब्जेक्ट वन, ये है ऑब्जेक्ट टू, ये टेंशन इस ऑब्जेक्ट को, ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे नीचे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा या नहीं, ऐसे नहीं समझते तो ये टेंशन ऊपर, ये टेंशन अगर ऊपर खींच रहा है तो इसका टॉर्क ऐसा लगेगा, इसका टॉर्क ऐसा लगेगा, तो आपको नहीं लगता बेटा ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, आपको नहीं लगता बेटा ये इस डायरेक्शन में अल्फा टू से, अल्फा वन मान लें उसको, वन मान लें, वन से घूमेगा, हाँ या ना। हाँ जी सर, अल्फा वन से घूमेगा, राइट। अच्छा ये वाला टेंशन इधर नीचे लग रहा है तो आपको नहीं लगता बेटा ये इस डायरेक्शन में अल्फा टू से घूमेगा, पहले देख लो, फील कर लो, जो जो जहां दिख रहा है लगा लो, अगर आंसर आपने अगर प्रोसेस सही करी है तो आंसर में अगर आपने डायरेक्शन गलत लिया है और प्रोसेस सही करी है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, तो मान लेना आपका एज्यूम डायरेक्शन गलत है या नहीं है। हाँ जी सर, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका टॉर्क सर ऐसा आ रहा है, और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका टॉर्क सर ऐसा आ रहा है, हाँ या ना। हाँ जी सर, और क्या है सर, ये तो अपनी जगह पर है लेकिन ये नीचे आ रहा है, और अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास विद सम एक्सेलरेशन नीचे आ रहा होगा, हाँ या ना। इसका इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास विद सम एक्सेलरेशन नीचे आ रहा होगा, हाँ या ना। हाँ जी सर, अब क्या बचा बेटा इस दुनिया में, कुछ नहीं है, सब खत्म है, लगाइए पहली इक्वेशन, चलिए मेरे साथ बोलेंगे, पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे सर, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, इसको पॉइंट मास मान लो, 2mg नीचे लग रहा है, ये टेंशन इधर शिफ्ट हो जाएगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, पॉइंट मास मान सकते हैं इस पूरी डिस्क को यहाँ पे। इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ ACM से आ रहा है, 2mg नीचे लग रहा है, ये टेंशन यहाँ हो जाएगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 2m इंटू ACM, 2mg, 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 2m इंटू ACM, कोई दिक्कत, अरे बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट p मस्ट बी इक्वल्स टू i अबाउट p इंटू अल्फा। अब यहां पे दो 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 इक्वेशन बनेंगी, एक बनेगी इसके लिए, एक बनेगी इसके लिए, आप खुद बताओ, हाँ या ना। हाँ यार सर, बात तो सही है, पहले वन वाले के लिए बनाता हूं, वन वाले के लिए टॉर्क इसके कारण आ रहा होगा, t इंटू टू आर, ये रेडियस कितनी है 2r, t इंटू टू आर, ये डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा, t इंटू टू आर इज इक्वल्स टू m m r स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा होगा, हाँ या ना। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। अच्छा
आगे बताइए इसके लिए क्या बनेगी। टी इंटू आर इज इक्वल्स अल्फा 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 वन, अल्फा वन ना, अल्फा वन। इसके लिए क्या बनेगी, टी इंटू आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। टी इंटू आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा टू बनेगी। हाँ या ना बताइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। फॉर नो स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्लीपिंग की भी दो कंडीशन बनेगी। नो स्लीपिंग नो स्लाइडिंग एक ही बात है, नो स्लीपिंग बोलो नो स्लाइडिंग बोलो एक ही बात है। ठीक है आओ बनाओ। एक ये आपका आर वाला सर्कल और एक ये आपका टू आर वाला सर्कल। चलिए खेलिए, बनाइए बच्चों, नो स्लिपिंग नो स्लाइडिंग की कंडीशन बनाइए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या क्या दिख रहा है सर? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ और आर अल्फा टू ऊपर की तरफ होगा। हाँ या ना, सोच समझ के बताना, सोच समझ के। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, यहां से एसीएम नीचे और आर अल्फा टू ऊपर आएगा या नहीं आएगा, मजे देख मजे देख। यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एसीएम नीचे आएगा और आर अल्फा टू, आर अल्फा टू ऊपर आएगा। बहुत बढ़िया। अभी देखो, अभी देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा आर अल्फा वन, सॉरी मैंने यहाँ टू लिख दिया, माय मिस्टेक। इधर पे वन वन आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं फ्रस्ट्रेट नहीं होना। नहीं, ये कितना होगा, आर अल्फा टू आएगा या नहीं आएगा? आर अल्फा टू नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं टेंजेंशियल एक्सीलेशन? अरे बाबू ये ऐसा घूम रहा है ना। हाँ यार देखो देखो देखो, कोई जल्दी वाली बात थोड़ी है। ये कैसा घूम रहा था सर? ये अल्फा वन से ऐसा घूम रहा था, ये एसीएम से नीचे आ रहा था। मैंने इस पॉइंट पे अल्फा वन के कारण एक्सेलरेशन देख लिया, एसीएम के कारण एक्सेलरेशन देख लिया। ये अल्फा टू से ऐसा ही घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, आप खुद बताइए। हाँ यार कैसा घूम रहा है? ऐसा 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 घूम रहा है। हाँ यार ऐसा घूम रहा है, तो ये वाला पॉइंट देखेंगे, इस वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ आर अल्फा टू आना चाहिए। हाँ या ना, राइट और रॉन्ग? अरे भाई पी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे घूम रही होती है तेरी गाड़ी पी पे। इसके लिए पी यहां माना, इसके लिए पी यहां माना, लिख दिया। वो पूछो सेकेंड डिस्क के सेंटर पे। अरे बाप रे, रामायण खत्म आ रही है, तुम पूछ रहे हो हनुमान जी कौन थे और हनुमान जी और बाली में क्या संबंध रहा? का समझाए तुमको है? बताइए भाई कोई दिक्कत? अब नो स्लाइडिंग की कंडीशन बना के बताओ तो जानो। सोचो 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 सोचो, नो स्लाइडिंग की कंडीशन सोचो। सोचना है, जितनी तेजी से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, जितनी तेजी से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है उतनी तेजी से ये वाला पॉइंट नीचे आना चाहिए, तभी ये वाला धागा में टेंशन बनी रहेगी टी की। हाँ या ना, सोचो सोचो भाई। हर बार सोचना पड़ेगा आपको नो स्लाइडिंग की कंडीशन बनाने के लिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। मैंने कहा नो स्लाइडिंग की कंडीशन इजी है, देखो ऐसे नहीं समझना, ऐसे समझो। जितनी तेजी से ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, सोचो जितनी तेजी से ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है उतनी तेजी से ही ये वाला पॉइंट भी नीचे आना चाहिए नो स्लाइडिंग की कंडीशन के लिए। हाँ या ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? सोचो, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये वाला पॉइंट ज्यादा तेजी से नीचे आने लगा, अगर ये वाला पॉइंट ज्यादा तेजी से नीचे आने लगा तो बेटा ये धागे को भी ज्यादा तेजी से खींचेगा, डिस्क धीरे घूमेगी, धागा तेजी से आएगा, धागा डिस्क के ऊपर स्लाइड होगा या नहीं होगा? नो स्लाइडिंग की कंडीशन नहीं बनी। अगर ये वाला पॉइंट धीरे नीचे आने लगा और ये वाला पॉइंट तेजी से नीचे आने लगा,
सोचो ये वाला पॉइंट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट तेजी से नीचे आ रहा है, अगर ये वाला पॉइंट तेजी से घूम रहा है तो यहां से धागा तेजी से नीचे आएगा, धागा तेजी से नीचे आएगा, यहां धागा झूल जाएगा, धागा झूला जैसे ही वापस से स्लाइडिंग होने लगेगी या नहीं होने लगेगी, आप सोच लो आराम से, हर पॉसिबल सिनेरियो आपके माइंड में होना चाहिए। घूमने लगेगा, अगर ये धीरे आएगा तो यहां पे धागा घूमने लगेगा, ये तेजी से आएगा तो ये वाले धागे को स्लाइड करवा देगा। एक ही कंडीशन बच रही है सर, जितने तेजी से ये नीचे आ रहा है उतनी तेजी से आर अल्फा टू होना चाहिए, तभी जाके नो स्लाइडिंग की कंडीशन बन रही होगी। ये कितने तेजी से नीचे आ रहा है, एसी एम माइनस टू आर अल्फा वन इज इक्वल टू, ये इसका नेट नीचे आने का कितना है सर, नेट नीचे आने का है इसका एसी एम माइनस 2R अल्फा 1, नेट इसका नीचे आने का जितना है उसका भी नेट उतना ही होना चाहिए, तभी नो स्लाइडिंग की कंडीशन बनेगी, हाँ या ना। ACM माइनस 2R अल्फा 1 इज इक्वल टू R अल्फा 2, ये लीजिए नो स्लाइडिंग की कंडीशन जनाब आपके सामने है। दोनों की रिलेटिव ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल एकदम सही पकड़े हैं। आगे बढ़िएगा, ये रोटेशनल मोशन खत्म होने का नाम ही ना ले रहा है, बहुत बचा हुआ है भाई अभी बहुत। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन आप देख के छोड़ देते थे, आप मेरे को बताओ ना, मेन तो यही है। अगर आप ये इक्वेशन का यूज करना सीख पा रहे हो तो उसके बाद तो महज मैथमेटिक्स है जनाब। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूं, चलिए आज मन हो रहा है थोड़ा सा करवा देते हैं। आराम से देखिएगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बच्चों कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको दे के रखा होगा, ठीक है, अच्छे से देखिए, डिटेल ऑलरेडी गिवन, मतलब आपको समझ आ रही होंगी। इसमें मास नहीं बताया मैंने, तो एकदम मासलेस फुली, मास नहीं बताया तो चलो इट्स अ मासलेस फुली दिया है आपको, ठीक है, इट्स अ डिस्क ऑफ 2m एंड 2r and it's a disk of MR which is released, disk of mass M and R, पुरानी चीजें वही है, released released and no sliding, चलो भाई एनालाइज करो सिचुएशन को, रिलीज्ड एंड नो स्लाइडिंग एनालाइज करिए 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 आराम से एनालाइज करिए। करो अब आप लोग सोचो क्या हो रहा होगा, इसको रिलीज किया, सारे के सारे फोर्सेस लगाइए, उन फोर्सेस के कारण रोटेशन देखिए कैसा आ रहा है, फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लगाओ, टाउन नेट इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाओ, उसके बाद आप बच्चों नो स्लाइडिंग की इक्वेशन बनाओ, करो
करो करो करो करो करो करो करो करो करो। मैंने कहा करो। यहाँ नीचे की तरफ एम जी। हाँ जी सर, यहाँ नीचे की तरफ 2 MG। जी सर, मासलेस पुली है, टेंशन सेम होगी, अलग अलग होगी, आप खुद बताइए सर। सेम होगी, मासलेस पुली है तो। यहाँ ऊपर की तरफ टेंशन, यहाँ भी ऊपर की तरफ टेंशन, राइट और ऑफ लिख लो। ये MG है, ये 2 MG है, ये टेंशन है, ये भी टेंशन है, MG 2 MG टेंशन टेंशन। अच्छा, ये वाला जो टेंशन है, ये वाली जो टेंशन है, ये इसको ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करवा रही है। अगर ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करवा रही है तो इसके कारण बेटा जो अल्फा आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। हाँ जी सर, लेट्स से दिस टू बी अल्फा 1। ये वाला जो टेंशन है बेटा, ये इसको ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा होगा, ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा आपका क्या बच्चे, अल्फा 2। हाँ या ना। अच्छा, ये क्या घूमती हुई नीचे भी आ रही होगी या नहीं, और ये भी घूमती हुई नीचे आ रही होगी या नहीं। हाँ यार सर, ये भी बात सही है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये वाली डिस्क सेंटर ऑफ मास A1 से नीचे आ रहा है, और ये वाली जो डिस्क है बच्चे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो A2 से नीचे आ रहा है, बोल सकता हूँ या नहीं। हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वही सारे पुराने खेल खेलो। समेशन ऑफ Fnet इज इक्वल्स टू ML लगाओ। पहली वाली डिस्क के लिए क्या बनेगा, MG-T इज इक्वल्स टू M into A1। MG-T इज इक्वल्स टू M into A1। इसके लिए क्या बनेगा, नीचे की तरफ आ रहा है, 2 MG-T इज इक्वल्स टू 2 M into A2। 2 MG-T इज इक्वल्स टू 2 M into A2। 2 M into A2। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी सर, दूसरी इक्वेशन बनेगी समेशन ऑफ नेट टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल्स टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा। पूछो मेरे भाई, पी कौन सा पॉइंट है, अरे इसके लिए ये पॉइंट है, इसके लिए ये पॉइंट है पी। फिर दो इक्वेशन बन जाएगी, इसकी बनेगी टी इंटू आर इज इक्वल्स टू आई पी, दैट इज MR² / 2 इंटू अल्फा। इसके लिए भी सेम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। हाँ या ना। हाँ जी सर, क्या ही है, बार बार तो वही कर रहे हैं, और कितनी प्रैक्टिस करवाऊँ। इसकी बनाओ, टी इंटू आर इज इक्वल्स टू MR² / 2 इंटू अल्फा। इसकी बनाओ बेटा, टी इंटू टू आर, टी इंटू टू आर इज इक्वल्स टू MR² / 2 इंटू, ये क्या था, α1 था, इंटू α2। नेक्स्ट क्या होगा, आप खुद सोचो। नो स्लाइडिंग नो स्लिपिंग, नो स्लाइडिंग की कंडीशन बना लो मेरे भाई, बनाओ भैया, नो स्लाइडिंग की कंडीशन बनाओ भैया, नो स्लाइडिंग की कंडीशन बनाइए। सोचो कैसे बनेगी नो स्लाइडिंग की कंडीशन, ये सोचने वाली बात है। बाकी सब ठीक है सर, जो एक सिंगल चीज सोचने वाली होती है वो होती है नो स्लाइडिंग की कंडीशन सोचना। तो नो स्लाइडिंग की कंडीशन कैसे बन रही होगी, अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा, नो स्लाइडिंग की कंडीशन हमेशा इस पॉइंट पे देखते हैं, हमेशा जहां से धागा निकल रहा होता है वहां से देखते हैं। ये वाले पॉइंट का अपना एक नीचे की तरफ A2 का एक्सेलरेशन है या नहीं है। हाँ जी, और ये वाले पॉइंट का ऊपर की तरफ R2R into α2 का एक्सेलेशन है या नहीं है। हाँ जी सर, यहाँ पे ये जो टेंजेंशियल एक्सेलेशन है ये 2R into α2 का है, पक्की बात। हाँ, ये वाले पॉइंट का नीचे की तरफ अपना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेशन है A1,
और ये वाले पॉइंट का ऊपर की तरफ r इंटू अल्फा वन का एक्सेलेशन है, यानी r इंटू अल्फा वन का एक्सेलेशन है, r इंटू अल्फा वन का एक्सेलेशन। अब सोचो इसका नेट एक्सेलेशन इसके नेट एक्सेलेशन के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? कैसे बराबर होना चाहिए? अगर ये ज्यादा तेजी से नीचे गया, सेम उतने तेजी से इसको भी नीचे आना मांगता है, हाँ या ना? हाँ सर, जितने तेजी से ये नीचे जा रहा उतने तेजी से ही ये नीचे आएगा। तो बेटा यहाँ पे कोई स्लाइडिंग होगी क्या? सोच लो आप आराम से, सोच लो क्या कंडीशन बन रही है। ए वन माइनस आर अल्फा वन इज इक्वल टू ए टू माइनस ए टू ए टी टू। मैंने क्या कहा? ए वन माइनस आर अल्फा वन इज इक्वल टू ए टू माइनस 2R अल्फा 2 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? नो स्लाइडिंग की कंडीशन एक ही बनेगी बच्चों, पक्की बात। बढ़िया काम, देख लो भाई। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करवा लेता हूं, है ना? चलो आइए, यह आपका एक एम मास का ब्लॉक है और इट्स अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, इट्स अ ब्लॉक ऑफ मास एम एंड दिस सरफेस इज रफ हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस सरफेस इज योर रफ, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको देके रखा हुआ है बेटा म्यू। ये जो पुली है ये मासलेस है, लिख दे रहा हूं मासलेस पुली है और नो स्लाइडिंग या नो स्लिपिंग की कंडीशन चल रही है। आप एनालाइज करो, अब मैं 2 मिनट बैठूंगा, एनालाइज आप करेंगे, करिए। अल्फा 2t अपॉन एम आर कौन सा बोल रहे भाई?
सोचना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा आपको, सोचो। बातें बोलो। सोचो बेटा, करो। डिस्क नीचे आ रही होगी, एमजी नीचे ला रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रही होगी तो टॉर्क आ रहा होगा। बेटा वही टेंशन के कारण ब्लॉक आपका आगे आ रहा होगा, ब्लॉक आगे आ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है, जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ, लीनियर एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ डिस्क आ रही है, क्या उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक आगे आ रहा होगा या ब्लॉक कोई और एक्सेलरेशन से आगे आ रहा होगा। आप बस इतना सोचिए। सोचो। सोचो, बनाओ। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन बनाइए, दो इक्वेशन बनेंगी, एक ब्लॉक की एक डिस्क की। टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन बनाइए अबाउट पी, सिर्फ डिस्क की बनेगी, फिर नो स्लाइडिंग की कंडीशन बनाइए, क्या होगा? चलिए आइए, देखिए, समझिए, सीखिए। लास्ट क्वेश्चन है। राइट, नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा, हाँ सर लग रहा होगा। ऊपर की तरफ टॉर्क लग रहा होगा, जी सर लग रहा होगा। बेटा यही टॉर्क यहाँ पे भी लग रहा होगा, हाँ जी सर। उस टॉर्क बोल रहा हूँ, सॉरी, टेंशन। बेटा ये स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, यही टेंशन यहाँ पे भी लग रही होगी, हाँ जी सर बिल्कुल लग रही होगी, एकदम सही बात है। ये लगा आपका एम जी, ये लगा टेंशन, ये लगा टेंशन, तो ये लगा आपका टेंशन। हाँ यार, अभी सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। ये वाला टेंशन इसको ऐसे घुमा रहा होगा या नहीं? हाँ जी सर, ये वाला टेंशन इसको ऐसे घुमा रहा होगा। अगर घुमा रहा है तो बेटा क्या इसका कुछ ना कुछ अल्फा आ रहा होगा? हाँ जी सर। अच्छा, ये घूम घूम के नीचे जा रही होगी, तो ये मैंने कहा एक के एक्सेलेरेशन से नीचे गई, ये घूमते हुए नीचे जा रही है, इसका घूमते हुए नीचे जाने का एक्सेलेरेशन इससे कनेक्टेड है क्या? नहीं सर, ये अपने एक अलग एक्सेलेरेशन से, ए नॉट से आगे आ रहा होगा। वन मोर थिंग सर, ये रफ सरफेस है तो इसके पिछवाड़े की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा या नहीं? और ये फ्रिक्शन सर म्यू इंटू एन होगा, और यही फ्रिक्शन सर म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? एमजी होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, ये बात भी आपकी एकदम सही है। अरे है या नहीं है मेरे भाई? ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, इसके नीचे आ रहा है तो। समेशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन बनाइए, किसके लिए? चलो पहले इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, एम इंटू ए सी एम। अब मैंने यहाँ एम एम दोनों के सेम ले लिया, आप चाहो तो अलग भी ले सकते हो, दैट डजेंट मैटर, उससे कोई ज्यादा फर्क आपका पड़ता नहीं है, ठीक है। ब्लॉक के लिए क्या बनेगा? टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट, टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट, यानी टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट बनेगी या नहीं? बिल्कुल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है आपकी? सर समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा। बेटा ये क्या बन रहा है? टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा।
टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा, हाँ या ना? हाँ जी सर, टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा बन रहा है। लास्ट कंडीशन बनती है बच्चों आपकी फॉर नो स्लीपिंग, सोचो क्या बनेगा, फॉर नो स्लाइडिंग नो स्लीपिंग वन एंड द सेम थिंग। सुनो सुनो सुनो, ये कितने कितनी तेजी से आगे आ रही है सर, ये ए नॉट से, ए नॉट से आगे आ रही है, और ये कितना तेजी से, ये वाला पॉइंट कितना तेजी से नीचे जा रहा है सर, नीचे की तरफ जा रहा है आराम से, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है सर ये वाला पॉइंट ए नॉट से, और यही वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है आर अल्फा से, तो इसका आगे आना यानी इसका नीचे जाना, यानी इसका नीचे जाना और इसके आगे आने का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ए ए सी एम, मैंने ए नॉट लिख दिया, ए सी एम माइनस आर अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू ए नॉट होना चाहिए, हाँ या ना? ए सी एम माइनस आर अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू ए नॉट होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, यानी कि कितनी इक्वेशन आपकी बन रही है बच्चे यहाँ पे, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इसमें क्या अगर क्वेश्चन आ गए तो बेटा धुआं धुआं कर देंगे या नहीं कर देंगे, आप बताइए कितनों का सही आया था, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर मेरा सही आया था। नो स्लाइडिंग वाला नहीं आया, बाकी सही था, मेन वही है नो स्लाइडिंग। अब ये नो स्लाइडिंग नो स्लिपिंग एक्चुअली क्या होता है ये आपको कल समझाऊंगा मैं अच्छे से, जब मैं आपको रोलिंग मोशन पढ़ाऊंगा। चलिए आज की क्लास यहाँ पे रोकता हूँ, रोलिंग मोशन कल पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, कल रोलिंग मोशन पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको अभी तक ये वाला पार्ट, इसके पहले टॉर्क वाला पार्ट पढ़ के आना है बस, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह पढ़ लेना, आज का टारगेट आपका यही है। ठीक है, आई एम श्योर बेटा मज़ा बहुत आया होगा आपको आज की क्लास में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है अभी तक तो अब आपको रिजल्ट दिखना चालू हो गए होंगे कि चीज़ें टफ नहीं है, आपने सही से पढ़ा नहीं था इसलिए आपको पहले चीज़ें टफ लगती थी। अगर आपने आज तक की तारीख में बिना काम चोरी किए पूरे अच्छे से मेहनत करी है, डेली मित्तल सर का चमन परास लगाया है, 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स के निपटाए हैं, 20 भी निपटाए हैं, तो आज अपने आप को आप एक डिफरेंट लेवल पे फील कर रहे होंगे। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई इसका मतलब आप ऑलरेडी इंप्रूव्ड हो चुके हो। रीजन बींग ये चीजें बेटा टफ नहीं थी, पर कभी कभी टफ नहीं थी, इनको टफ बना दिया गया था। आप देखो ना, हर एक चीज आप पढ़ के रखे हुए हो, कितनी प्यारी प्यारी इक्वेशन यहाँ पे बना के रखी हुई है, और आप कह रहे हो कि टफ, भाई कैसे टफ था भाई, फिजिक्स बहुत इजी है, आप मानो बायो में आपको याद करना पड़ता है सिनेरियो, यहाँ पे तो दिख रहा है यार सब, तेरे को बस देखकर लिखना है सारी चीजें ऑलरेडी, क्वेश्चन बायो में यू हैव टू रिमेंबर, अरे यार ऐसी 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 चीजें, इसके बाजू में ये नर्व है, यहाँ पे ये एंजाइम निकल रहा है, वहां पे वो हो रहा है, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, यहाँ कुछ ऐसा लफड़ा है ही नहीं, सामने दिख रहा है, हाँ सर ये नीचे आ रहा है, A2 ले लो, ये घूम रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मास सब तो दिख रहा है सामने। इससे टफ तो पहले थे जब आपने चीजें याद कर ली, यहां सामने दिख रहा है, अब आप जज करो दिखता हुआ इजी है या जो आपको याद करना पड़ रहा है वो इजी है, सोचो क्या इजी क्या है, जो दिख रहा है सामने ही है भाई, सामने सिचुएशन है, यू हैव टू जस्ट एनालाइज द सिचुएशन, आपको कॉन्सेप्ट सही लगाने हैं, बात खत्म, है ना? समझ गए? आप जज कर लेना, आराम से सोच लेना ये इजी है या वो इजी है, जो बायो में आप पढ़ते हो रटते हो, इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, यहां तो दिख रहा है, अगर आप
ये दो इक्वेशन क्या ही है? हर बार एफ नेट इज इक्वल टू एम टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और नो स्लाइडिंग की कंडीशन ही तो बना रहे हैं, और अगर कोई चीज कहीं नहीं जा रही तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अरे यही तो खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? चलिए तो ये आपको स्लाइड मिल जाएगी। कल लोलिंग मोशन चालू कर रहे हैं, लोलिंग मोशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ट्राई करेंगे दो लेक्चर में खत्म कर दें, लेकिन तीन में भी जा सकता है। तो आज है आपका वेंसडे, फ्राइडे इस वीक में मैं रोटेशन निपटा दूंगा एनी हाउ। ठीक है बेटा, थैंक यू।